तो आज से कुछ दिनों पहले हमको ये सुनने में आया था कि हेरा फेरी 3 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और किसी को खबर भी नहीं लगी। लेकिन फिर बाद में हमको पता चला कि वो मूवी की शूटिंग नहीं बल्कि इस मूवी के लिए एक प्रोमो शूट हो रहा था, जिसकी एक इमेज भी बाद में सामने आई जिसमें लोग अपने पुराने कपड़ों में है एंड नॉस्टैल्जिया हिट करा हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे जा करके मूवी की डिटेल्स भी सामने आनी शुरू हो चुकी है, जैसे कि इसको डायरेक्ट करने वाले हैं फराज स्नाइडर सामजी। और देखो, डायरेक्ट जो भी कर रहा हो, मूवी को लेकर एक्साइटमेंट बराबर है। और डिटेल से मेरा मतलब सिर्फ डायरेक्टर को लेकर डिटेल्स नहीं, स्क्रिप्ट को लेकर डिटेल्स, मूवी के कैरेक्टर को लेकर डिटेल्स, विलन को लेकर डिटेल्स। तो धीरे धीरे करके सब पे बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो मूवी का प्रोमो शूट हुआ है उसके साथ ही साथ हमको ये भी पता लगा है कि मूवी की एक्चुअल जो शूटिंग है वो 2023 के सेकेंड हाफ में कभी शूट होना शुरू होगी और 2024 में मूवी रिलीज हो जाएगी। तो मतलब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मतलब अगले साल तक शूट हो जाएगी तो बढ़िया है, अच्छी बात, मूवी जल्दी शूट हो जाएगी और अगले साल तक हमको देखने को भी मिल जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ जो एक अच्छी खबर निकल के आई है वो ये है कि ये लोग बहुत हेवी चेंजेस नहीं करने वाले हैं स्क्रिप्ट में। इस मूवी की स्क्रिप्ट को बेसिकली जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसी के जैसा रखने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हेरा फेरी 3 की एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी गई थी, मतलब एक आउटलाइन सी बनाई गई थी कि हेरा फेरी 3 किस डायरेक्शन में जाने वाली है या जा सकती है, और इसी आउटलाइन पे हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट को लिखा जा रहा है। जो लोग नहीं जानते हैं तो नीरज बोरा जी, जिन्होंने हेरा फेरी 2 डायरेक्ट करी थी, उन्होंने हेरा फेरी 1 की स्क्रिप्ट पे भी काम किया था और उन्होंने हेरा फेरी 3 की एक आउटलाइन सी भी बनाई थी कि हेरा फेरी 3 किस डायरेक्शन में जाएगी हेरा फेरी 2 के बाद। तो अच्छी बात यह है कि हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट को भी उसी आउटलाइन के अकॉर्डिंगली लिखा जा रहा है, मतलब हेरा फेरी 2 जहां पर खत्म होती है, मतलब वो जो पूरा गन्स वाला प्लॉट था, हमें कहानी वहीं से आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। मतलब लिटरली जो वो क्लिफ हैंगर था जहां पे फिर हेरा फेरी खत्म होती है, वो जो ब्रिज पे लटके रहते हैं, उसी के आगे से हमें हेरा फेरी 3 देखने को मिलेगी कि आखिरकार हुआ क्या भाई, क्या इनको वो गन्स मिली क्या नहीं मिली। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब हेरा फेरी 3 इंटरनेशनल जाने वाली है, मतलब इंटरनेशनल माफिया लोग इन्वॉल्व होंगे और कैसे हमारे बाबू भैया, राजू भैया और श्याम भैया इनका सामना कर पाएंगे। तो मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि नीरज बोरा जी जो थे उन्होंने हेरा फेरी 1 की स्क्रिप्ट पे काम किया, हेरा फेरी 2 डायरेक्ट करी, उसे लिखा, हेरा फेरी 3 का प्लॉट भी उन्होंने लिख दिया था, बट ही सैडली पास्ड अवे। और उसी प्लॉट के आसपास अब ये मूवी लिखी जा रही है, बस इसको करंट सिचुएशन आसपास बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, कुछ नए कैरेक्टर्स को ऐड किया जा रहा है मॉडर्न सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, बिकॉज़ लाइक यू गाइस नो, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। और यहीं पे आता है एक और मॉडर्न कैरेक्टर जिसको प्ले करने वाले हैं संजय बाबा, मतलब संजय दत्त का कैरेक्टर इसमें ऐड किया जा रहा है, जो एक गैंगस्टर का रोल प्ले करेगा और ये होने वाला है हमारी पुरानी हेरा फेरी में दिखाए गए रवि किशन के कैरेक्टर का भाई। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बेसिकली इस मूवी में ये विलन का रोल प्ले करेंगे। और देखो, हेरा फेरी मूवीज में ऐसे कोई विलन तो होता नहीं है, तो ये भी कॉमेडी करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एक ब्लाइंड कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे। तो कैसे चीजें वर्क करते मुझे नहीं पता, क्योंकि तोतला से तोतले थे, उनका बेटा भी तोतला था, ये वाले ब्लाइंड है, तो इंटरेस्टिंग होगा, सब कुछ इंटरेस्टिंग होगा, बस सामजी टेरेंटिनो इसको अच्छे से संभाल ले। तो कुल मिला के इन सारी डिटेल्स को सुनकर मैं हेरा फेरी 3 के लिए एक्साइटेड हूँ। मतलब ये सारी चीजें ऑन पेपर सुनने में इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखते हो तो सब कुछ बहुत अच्छा साउंड करता है, लेकिन एट कोर लेवल व्हाट मैटर्स इज एग्जीक्यूशन। नीरज वोरा जी अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करके गए हैं, क्योंकि हेरा फेरी 2 जिस नोट पे खत्म होती है वो हमारे दिल में एक मूवी क्लोजर नहीं देती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी चीज क्लोजर नहीं देती है तो गले में हड्डी की तरह अटक सी जाती है, और हेरा फेरी 3 उसी हड्डी को गले से नीचे उतारने का काम कर सकती है या फिर उसे मुंह से बाहर निकाल लेगा। तो लेट्स जस्ट होप कि हेरा फेरी 3 गले से नीचे उतार के हमारा पेट भरे, ना कि मुंह से बाहर निकाल के उल्टी करवाए, कुछ ज्यादा ही हो गया। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिक पर से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।